जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूँ निम्मी कुकरेती और आज हम बना रहे हैं राजमा, पहाड़ी राजमा। तो गैस जला लेते हैं। ये मैंने राजमा उबाल के रख ली है, एक दिन पहले रात को मैंने भिगो दी थी। उबाल ली है राजमा। अब हम डालेंगे कढ़ाई में, हम यूज़ कर रहे हैं लोहे की कढ़ाई, क्योंकि लोहे की कढ़ाई स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और हमारे पहाड़ में तो लोहे की कढ़ाई का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसीलिए जो है हम लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल को गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म होता है मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या सामान राजमा के लिए लिया है। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, ये मेरी पहाड़ी राजमा है, ऑर्गेनिक। हमारे पहाड़ में ऑर्गेनिक राजमा होती है तो हम पहाड़ी चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं। साथ में मैंने लिया है तड़के के लिए धनिया, जिसको मैंने मसल के 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, 1/2 चम्मच। प्याज, टमाटर, टमाटर के साथ में थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा अदरक का, लहसुन 8-10 कलियाँ। ये मैंने घर में पिसा हुआ मसाला बनाया है, मसाला। बाकी हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने चावल का जो आटा बनता है ना, उसका जो हल्का सा मोटा हिस्सा जो रह जाता है उसको संभाल लेते हैं और उसको जो है हम दाल में यूज़ करेंगे, वो मैंने भिगो के रखा है। यहाँ पे मैंने लहसुन इसमें कूट लिया है मोटा मोटा, बहुत बारीक नहीं कूटना है। तो शुरू करते हैं। तेल गरम हो गया है, सबसे पहले डालेंगे हम यूज़ कर रहे हैं धनिया, धनिए के बीज। अधिकतर लोग जीरा यूज़ करते हैं लेकिन धनिए का जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अलग टेस्ट आता है, तो हम धनिया डालेंगे। उसके साथ ही हमारे पहाड़ में होता है जखिया, देखिए काले काले बीज होते हैं जखिया के, जखिया डालेंगे। हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जब तक प्याज हल्का गोल्डन कलर का होता है तब तक हम और काम कर लेते हैं। ये टमाटर है, टमाटर में जो मैंने टुकड़ा लिया था अदरक का वो हम बारीक बारीक काट लेंगे। ये टुकड़े जब दाल खाते हैं तो उसमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो हम छोटे छोटे टुकड़े जो है अदरक के टमाटर के साथ काट लेंगे। इसी टमाटर के साथ हम क्या करेंगे, 7-8 कलियाँ लहसुन की काट लेंगे। साथ साथ में हम प्याज को भी देखते रहेंगे। लो आंच पे जो है हम प्याज भूनेंगे। आप देखेंगे हम अपने ट्रेडिशनल जो बर्तन हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ये मेरी लकड़ी की कलछी है, ये जो है
भारत में बनी हुई है। मेरा घर ऋषिकेश के पास है, तो मैंने ऋषिकेश से ली है। हम अपने भारतीय जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारे देश के हित में होगा। जो प्याज है वो देखिए गोल्डन हो चुका है। अब हम टमाटर डालेंगे। आँच को कम कर दें, गैस की आँच लो कर देंगे। अब हम टमाटर में डालेंगे थोड़ा नमक। नमक क्योंकि मैंने राजमा में भी डाली थी उबालते हुए, इसलिए हम कम नमक डालेंगे। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर भी हमारे घर का बना हुआ है। मेरी मम्मी हर साल मुझे हल्दी का पाउडर देती है साल भर के लिए, तो घर की बनी हुई हल्दी है, इसलिए बहुत कम यूज़ करनी पड़ती है और बहुत हेल्दी होती है। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और अब हम डालेंगे मैंने जो होममेड मसाला बनाया है, इसमें धनिया है, जीरा है और काली मिर्च है, लाल मिर्च है, ये सब मैंने भून के मसाला तैयार किया है। इसको डाल देंगे। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। मसाले जले ना। अब इसके ऊपर हम एक मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं, टमाटर थोड़े थोड़े पक गए हैं। इस स्टेज में हम क्या करेंगे, जो हमने लहसुन कूट के रखा था ये, इसको थोड़ा सा इसका आधा चम्मच ये पेस्ट हम इसमें डाल देंगे, मसाले में डाल देंगे ताकि लहसुन भी इसके साथ में पक जाए। जब तक तेल छूटता है मसाला तब तक इसे पकाएंगे। मसालेदानी का काम हो चुका है, हम इसे रख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टमाटर और मसाले पके या नहीं। वाह, देखिए बहुत अच्छे, इतना अच्छा मसाला बना है। मन करता है कि अभी मसाले खा लें। अब हमें इस स्टेज पे क्या करना है, देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है, बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब हमें इस स्टेज में क्या करना है कि जो हमने राजमा रखी है ये छोटी राजमा है, हमारे पहाड़ में होती है, इसको छेमी भी बोलते हैं। तो अब हम मसाले में राजमा डाल देंगे।
देखिए, देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है। जिस बर्तन में हमने राजमा रखी थी उस बर्तन में पानी डाल के हम राजमा में ही डाल लेंगे, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एक एक दाना, एक एक अन्न का दाना बहुत कीमती है। अब इस स्टेज में हम क्या करेंगे कि जो हमने चावल का आटा रखा हुआ था उसको, ये देखिए, इसको हम राजमा में डाल देंगे। अब इससे क्या होगा, राजमा और पानी का बहुत अच्छा मेल आ जाएगा। इसको पकाएंगे जब तक इसमें उबाल आता है, तो इसे थोड़ी देर ढक देते हैं और एक मिनट बाद फिर खोल के देखेंगे। अभी देख लेते हैं राजमा की क्या स्थिति है। बहुत ही मजेदार लग रही है, देखिए कितनी अच्छी राजमा लग रही है। और देखिए कितना अच्छा मेल आ गया है, पानी अलग नहीं है, राजमा अलग नहीं है, एक साथ मिला हुआ है। अब इस स्टेज पे हमें क्या करना है, आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला बहुत टेस्ट बढ़ा देता है, और बहुत ज़्यादा मसाले भी हमें यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि जो फिर राजमा का टेस्ट होता है उसका अपना टेस्ट चला जाता है। अब ये राजमा बन चुकी है, इसको कर देते हैं बंद। और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। ये हरा धनिया मेरे अपने किचन गार्डन का है, तो हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर राजमा बनी है। अब हम टेस्ट करके देखेंगे। ये देखिए देखिए कितनी अच्छी राजमा बनी है, बहुत टेस्टी राजमा बनी है। आप भी राजमा बनाइए, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे राजमा बनाएंगे। और हो सके तो पहाड़ी उत्पाद जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं, उनका अगर आप उपयोग करेंगे तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। हमारे भारतीय पकवान अगर हम बनाते हैं तो भारत का सामान अगर यूज़ करेंगे तो भारत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।